दार्शनिक, पथ प्रदर्शक और आदर्श कर्मयोगी भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि उत्तर प्रदेश में इसी मथुरा का गांव नगला चंद्रभान। अद्भुत संयोग देखिए, ये गांव भी पैतृक जन्मभूमि है एक आदर्श कर्मयोगी, महान दार्शनिक, विलक्षण विचारक और दूरदर्शी राजनेता की। नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय। हालांकि बताते हैं कि जब ये गर्भ में थे तब इनकी माता श्रीमती रामप्यारी जी अपने मायके आ गईं राजस्थान में, गांव धनकिया। यहीं नाना के घर इनका जन्म हुआ। जन्म की तिथि 25 सितंबर सन 1916। बताते हैं कि जन्म के समय पिता श्री भगवती प्रसाद उपाध्याय ने इनकी जन्म पत्री देखी और कह दिया, उनका ये बेटा खूब ख्याति पाएगा। राष्ट्र आज उन्हीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का 100वां जयंती वर्ष मना रहा है। संघर्ष का पथ धैर्य, संयम और लगन की बड़ी बड़ी परीक्षाएं लेता है, तब जाकर कहीं प्रतिभा को पहचान दिलाता है। दीना, बचपन में यही नाम था दीनदयाल उपाध्याय जी का। पढ़ने लिखने में थे बड़े प्रतिभावान और लगनशील, पर परिवार और परिवेश की कठिनाइयां कदम कदम उनके राह का रोड़ा थी। बचपन नाना के घर बीत रहा था। स्थिति ये कि जीवन संभालने को तनिक सी जमीन मिलती नहीं कि कठिनाइयां पीछे पड़ जाती। पैतृक गांव छूटा, पहले माता पिता, फिर भाई, और जल्द ही सिर से नाना का साया भी उठ गया। एक एक कर जड़ से हर नाता उखड़ रहा था, पर मन के अंदर आत्मविश्वास नया कुछ उग रहा था। अभी उम्र केवल 10 साल थी। कहते हैं, जाके पांव न फटी बिवाई, सो क्या जाने पीर पर आई। कठिनाइयां लाख थी, पर अब अटल इरादा कर लिया था हर स्थिति से लड़ते रहने का, आगे बढ़ते रहने का। संभवतः यही वे कारण थे कि उनके विचारों, आवाजों और कार्यों में शामिल हो गई थी समस्त समाज के संपूर्ण कल्याण की चिंता। यही चिंताएं आगे चलकर उनके राष्ट्रीय चिंतन की आधार बनी। दीनदयाल उपाध्याय जी ने 10वीं की परीक्षा सीकर के कल्याण हाई स्कूल से दी और अजमेर बोर्ड में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। तब सीकर महाराज ने इन्हें गोल्ड मेडल से सम्मानित किया, 250 रुपए का पुरस्कार और 10 रुपए महीने का स्कॉलरशिप भी तय कर दिया। बिरला कॉलेज पिलानी में इंटरमीडिएट परीक्षा में भी पूरे बोर्ड में टॉप करने के बाद दीनदयाल जी बीए करने सनातन धर्म कॉलेज कानपुर चले गए। वहां अपनी पढ़ाई के साथ साथ निर्धन और परीक्षा में कम अंक लाने वाले बच्चों को पढ़ाने भी लगे। संपूर्ण समाज के प्रति उनकी ये चिंता ही संभवतः आगे चलकर बृहद राष्ट्रवादी चिंतन के रूप में परिवर्तित हो गई। राष्ट्रीय पुनरुत्थान में सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक सशक्तिकरण की संयुक्त विचारधारा के बीज उस मन में ही पलेंगे बढ़ेंगे जिस मन में विचारों की उपजाऊ मिट्टी होगी और जिसे जीवन को खो देने का रंच मात्र भी भय नहीं होगा। बताते हैं कि उम्र 10-12 साल की रही होगी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने घर में घुसाए डकैतों के सरगना से आंखें मिलाई और कहा, किससे तो सुनते आए हैं कि डकैत समृद्ध लोगों को ही लूटते हैं, निर्धनों की सहायता करते हैं, आप कैसे डकैत हैं जो निर्धन को ही लूट रहे हैं। दीनदयाल की बातों ने डकैतों का मन मोड़ दिया था। वे लूटा धन वापस कर चुपचाप चले गए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की वाणी और विचार उम्र के साथ प्रखर और व्यापक होते गए। किशोरावस्था तक आते आते इस चिंतन के आधार राष्ट्रीय हो गए। बात सन 1937 की है। कानपुर में स्नातक के दौरान ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के संपर्क में आए। यहां इनकी भेंट संघ के तत्कालीन सरसंघ चालक डॉक्टर केशवराव बड़ीराम हिड़गेवार से हुई।
यहीं पर इन्होंने स्वातंत्र वीर सावरकर का बौद्धिक करवाया। जीवन में अब शिक्षा के साथ साथ राष्ट्रीय साधना की नई जुगलबंदी हो गई थी। दीनदयाल जी एमए के लिए आगरा आ गए तथा प्रथम वर्ष की परीक्षा में प्रथम श्रेणी के अंक प्राप्त किए, परंतु बहन की बीमारी के कारण एमए की पढ़ाई छोड़नी पड़ी। पंडित दीनदयाल जी ने सिविल सेवा परीक्षा भी दी, उत्तीर्ण भी हो गए। सरकारी नौकरी का बुलावा आ गया, लेकिन नौकरी में रुचि न होने के कारण सरकारी नौकरी का त्याग कर दिया। इसके बाद बीटी करने के लिए वे प्रयाग चले गए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अनुशासित युवाओं का क्रमबद्ध संगठन है, जहां प्रशिक्षण का अति महत्व था। 1939 में प्रथम वर्ष तथा 1942 में द्वितीय वर्ष के बाद वे विधिवत प्रचारक बन गए और एक निष्ठ भाव से संगठन कार्य करने लगे। प्रबल राष्ट्रीय धारणा का ये उदयकाल था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के रूप में देश को एक महान राष्ट्रीय चिंतक, प्रेरक और प्रचारक मिल चुका था। संगठन की बात, देश की बात, एकता की बात सब लोगों ने की, कही और संघ ने किया। बौद्धिक और शैक्षणिक प्रशिक्षण में इनकी दूरदर्शी सोच ने संघ में नए आयाम स्थापित किए। आगे चलकर वे उत्तर प्रदेश के सह प्रांत प्रचारक बने। स्वतंत्रता के पश्चात राष्ट्र की बौद्धिक चेतना को जागृत करने और राष्ट्र के शाश्वत विचार एवं सांस्कृतिक मूल्यों को रेखांकित करने के उद्देश्य से दीनदयाल जी ने अनेक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन प्रारंभ किया। इनमें प्रमुख हैं मासिक पत्रिका राष्ट्र धर्म, साप्ताहिक पांचजन्य और ऑर्गेनाइजर तथा दैनिक स्वदेश। पराधीनता की बेड़ी तोड़कर राष्ट्र स्वतंत्रता की चौखट की ओर आगे बढ़ रहा था। ये हर्ष का विषय था, पर राष्ट्र इसके साथ ही विभाजन का दंश भी झेल रहा था। पंडित दीनदयाल जी स्पष्ट रूप से द्विराष्ट्र के सिद्धांत के विरुद्ध थे। अखंड भारत उनके राष्ट्रीय दर्शन का प्रमुख अंश रहा है। 21 अक्टूबर 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अध्यक्षता में जब जनसंघ का गठन हुआ, तब जिन समर्पित संगठनकर्ताओं को संघ के तत्कालीन सरसंघ चालक परम पूजनीय श्री गुरुजी गोलवलकर ने जनसंघ को सौंपा, उनमें दीनदयाल जी प्रमुख थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी दीनदयाल जी के संगठनात्मक गुणों से परिचित हो चुके थे। डॉक्टर मुखर्जी ने कहा था, यदि मुझे दो दीनदयाल मिल जाएं, तो मैं भारतीय राजनीति को बदल दूंगा। शीघ्र ही दीनदयाल जी जनसंघ के महामंत्री बनाए गए। दीनदयाल जी के संपूर्ण चिंतन के केंद्र में था राष्ट्र का विकास और उसका पुनर्निर्माण। अपने राजनीतिक चिंतन में भी वे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि सत्ता साध्य नहीं, साधन है, साधन राष्ट्र निर्माण और जन कल्याण का। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए पंडित दीनदयाल जी ने अपने जिन महत्वपूर्ण दर्शन और सिद्धांतों को विश्व पटल पर रखकर अपनी अद्वितीय बौद्धिक क्षमता का परिचय दिया, उनमें अति प्रमुख हैं एकात्म मानववाद और अंत्योदय। स्वतंत्रता के ठीक बाद का काल राष्ट्रीय पुनर्जागरण का काल था और राष्ट्र के सकल संपूर्ण विकास के लिए व्यापक विचारधारा की कमी दिख रही थी। ऐसे में एकात्म मानववाद का सिद्धांत प्रस्तुत कर पंडित दीनदयाल जी ने एक वैचारिक आंदोलन को बल दिया। वस्तुतः पश्चिमी मानवतावादी विचारधाराओं में भारतीय संस्कृति का पुट न होने से वे भारतीय परिवेश के अनुकूल नहीं थीं। ऐसे में पंडित दीनदयाल जी ने एकात्म मानववाद का दर्शन प्रस्तुत कर उसे राष्ट्रहितकारी बना दिया। इस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति, परिवार, समुदाय, राष्ट्र और मानवता अलग अलग इकाई न होकर एक ही सूत्र से बंधे बताए गए हैं। इसे इन्होंने अखंड मंडलाकार रूप में आसानी से समझाया। पंडित दीनदयाल जी ने बताया कि इस भांति ही संपूर्ण जन कल्याण और राष्ट्र का पुनरुत्थान संभव है।
उन्होंने बल देकर कहा है कि सेक्युलरवाद, साम्यवाद, व्यक्तिवाद और पूंजीवाद जैसे पश्चिमी सिद्धांतों के द्वारा भारत का संपूर्ण विकास संभव नहीं। इन सब का एकमात्र ही प्रबल विकल्प है एकात्म मानववाद। और जब बात मानववाद की है, तब उसमें जाति, संप्रदाय, रंग, स्थान, समूह आदि के भेद का कोई स्थान नहीं। ये विचार व्यक्ति बनाम समाज नहीं, वरन व्यक्ति और समाज की एकात्मता का विचार है। ये मानव बनाम प्रकृति नहीं, वरन मानव के साथ प्रकृति की एकात्मता का विचार है। भौतिक बनाम आध्यात्मिक नहीं, वरन इनकी एकात्मता का विचार है। एकात्मवाद जड़ चेतन सभी से अपने रिश्ते स्थापित करता है। धरती माता है, चंद्रमा मामा है, पर्वत देवता है, नदियां माता हैं। समाज का हर व्यक्ति परस्पर जुड़ा हुआ है। ये संसार परायपन की जगह नहीं, ये वसुधा तो एक कुटुंब है। ये विचार मानव को असंबद्धता, पृथकता तथा द्वंद्वशीलता के संबंधों से निजात दिलाते हैं। राष्ट्र निर्माण में पंडित दीनदयाल जी का दूसरा अति महत्वपूर्ण योगदान है अंत्योदय, अर्थात समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े साधनहीन निर्धन लोगों का उत्थान। आर्थिक योजनाओं तथा प्रगति का माप समाज में ऊपर की सीढ़ी पर पहुंचे व्यक्ति नहीं, बल्कि सबसे नीचे स्तर पर विद्यमान व्यक्ति से होगा। पंडित दीनदयाल जी ने अपने आर्थिक चिंतन से ये समझ लिया था कि एक नव स्वतंत्र राष्ट्र विदेशी वस्तुओं पर निर्भर रहकर अपना उत्थान कभी नहीं कर सकता, और इसके लिए उसे स्वदेशी उत्पाद और निर्माण पर ही निर्भर होना पड़ेगा। और देखिए कि उनके ये सिद्धांत 21वीं सदी में भी कितने प्रासंगिक लग रहे हैं। पंडित दीनदयाल जी का जीवन भौतिक आडंबरों से बहुत दूर अति सादगी से भरा था। केवल 25 वर्ष की आयु तक परिस्थितिवश ही सही उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अलग अलग 11 स्थानों पर रहने का अनुभव था। समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति की आवश्यकताओं और कठिनाइयों को भली भांति समझते थे। कारण यही थे कि उनके विचार पुस्तकीय ज्ञान से परे अति व्यावहारिक थे। सचमुच देखिए कि जिनके शब्द शब्द आदर्श विधान हैं, व्यक्तित्व वो सचमुच परम साधक, चिंतक संत महान हैं। एक ओर पंडित दीनदयाल जी ने कश्मीर आंदोलन, गोवा मुक्ति आंदोलन, बिरुबाड़ी आंदोलन, ताशकंद और कच्छ समझौता विरोध आंदोलनों से जनसंघ को जन जन से जोड़ा, वहीं दूसरी ओर उनके नेतृत्व में राष्ट्र के राजनीतिक पटल पर जनसंघ एक विकल्प के रूप में आगे बढ़ रहा था। 1967 में हुए चुनावों में 9 प्रदेशों में संविद सरकार के गठन के साथ कांग्रेस के वर्चस्व को चुनौती मिलनी शुरू हो गई, और राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के बाद जनसंघ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। 1967 के कालीकट अधिवेशन में पंडित दीनदयाल जी विधिवत पार्टी अध्यक्ष चुने गए। तभी एक अनहोनी हो गई। 11 फरवरी सन 1968 की रात पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की रेल यात्रा के दौरान ही संदेहास्पद परिस्थिति में मृत्यु हो गई। लखनऊ से पटना की रेल यात्रा उनकी अंतिम जीवन यात्रा बनकर रह गई। शोक की लहर पूरे देश में दौड़ गई थी। निस्संदेह ये पंडित दीनदयाल जी की सांसारिक यात्रा का अंतिम पड़ाव था, पर उनके राष्ट्रवादी विचारों एवं दर्शन को अभी मीलों की यात्रा तय करनी थी। मृत्यु के बाद जो बौद्धिक और विचारों में अमर हो जाए, उससे बढ़कर सार्थक जीवन भला और क्या होगा। एकात्म मानववाद और अंत्योदय का उनका विराट दर्शन आज राष्ट्र निर्माण में नई ऊर्जा की तरह संचारित हो रहा है। राष्ट्र सदैव कृतज्ञ है पंडित दीनदयाल जी का।